हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूँ रिंकी कुमारी। बात करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स के बारे में, और हमारा टॉपिक क्या है तो वो है पॉलीनोमियल्स, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप लोग का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। जो लोग भी 2 देख रहे हो तो इससे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख लेना, जिसमें हमने पॉलीनोमियल्स एंड टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स के बारे में बात किया था। ठीक है, देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है। किसी भी पॉलीनोमियल का डिग्री हम लोग कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला लाइन है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलीनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। देखो इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोग को बताती हूँ, तो आप लोग समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, चलो। द हाइएस्ट पावर ऑफ द पॉलीनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। कि कोई भी पॉलीनोमियल अगर आपका गिवन है तो उस पॉलीनोमियल का जो हाइएस्ट पावर होगा, हाइएस्ट पावर कहने का मतलब जो भी आपका टर्म दिया होगा, जो भी आपका एक्सप्रेशन गिवन होगा, उस एक्सप्रेशन में जिस टर्म का हाइएस्ट पावर होगा उसको बोलेंगे हम लोग कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द पॉलीनोमियल। डिग्री को ही हम लोग ऑर्डर भी बोलेंगे, तो कहीं भी अगर कहीं ऑर्डर अगर गिवन होगा तो आप लोग कंफ्यूज मत करना। ठीक है, पॉलीनोमियल का डिग्री बराबर होता है ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमियल, मींस डिग्री और ऑर्डर आप लोग का बराबर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि द पॉलीनोमियल पावर्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी आपका एक्सप्रेशन गिवेन होगा, अगर हम लोग को पावर नहीं पता चल रहा है तो आप लोग क्या करना, या तो उस एक्सप्रेशन को आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना या उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाइएस्ट पावर क्या है। ये 3 पॉइंट था वो आपका डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल निकालने का था। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग बताते हैं कि किस तरीके से आपको डिग्री फाइंड करना है। डिग्री का सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अभी जो 3 पॉइंट आप लोग को बताया है तो उस पॉइंट को ध्यान में रख के आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। आपका एक्सप्रेशन गिवन है, याद रखना आप लोग को लेक्चर नंबर 1 में बता दिए कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या है, तो कंफ्यूज मत होना। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इक्वल टू का है। अगर हम लोग इक्वल टू साइन का यूज कर रहे हैं मीन्स वो इक्वेशन है, और नहीं कर रहे मीन्स एक्सप्रेशन है, और पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, तो आपका ये एक्सप्रेशन गिवन है या पॉलीनोमियल आपका गिवन है तो बताना है कि इसका डिग्री क्या होगा। देखो आप पे डिपेंड करता है, मैंने एक पॉइंट डाल दिया है। अगर डिग्री पता नहीं चल रहा है तब आप लोग क्या करना, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना। ठीक है, चलो डिग्री फाइंड करना है। डिग्री के बारे में बताया है कि कोई भी पॉलीनोमियल अगर गिवन है तो उस पॉलीनोमियल का हर एक टर्म को देखना, जिस टर्म का अगर हाईएस्ट पावर होगा वो आपका पॉलीनोमियल मींस डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ मेरा पावर 3 है, इस वेरिएबल मींस एक्स क्यू यानी यहाँ पावर 3 है, यहाँ क्या है पावर 5 है, यहाँ क्या है पावर 4 है, यहाँ क्या है पावर 2 है, यहाँ क्या है 1 है, और यहाँ क्या है तो पावर 0 है। ठीक है, और डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या बताए थे कि जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, यानी 5 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, देखो बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने में पॉलीनोमियल का। यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये आपका सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये आपका सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, सिंगल वेरिएबल पॉलीनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, चलो डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिग्री के बारे में हम लोग क्या बोले हैं कि अगर सिंगल वेरिएबल का कंसेप्ट है तो डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ 5 है, मीन्स 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीनोमियल। चार ऑप्शन गिवेन है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि पॉलीनोमियल नहीं है। सबसे पहला एक्सप्रेशन देखो, 5x³ - x/2 पॉलीनोमियल है, 3xy - 4yz + 2xy पॉलीनोमियल है, 52x³ - 19y⁵5 पॉलीनोमियल है, 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलीनोमियल के लेक्चर नंबर 1 में आप लोग को बताए थे कि आप लोग का पॉलीनोमियल अगर पावर मेरा डिग्री अगर निगेटिव में चला जाता है, पावर अगर निगेटिव में चला जाता है तो वो पॉलीनोमियल नहीं हुआ। पॉलीनोमियल में आप लोग का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ मेरा पावर निगेटिव चला गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि पॉलीनोमियल नहीं है, ठीक है। देखो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कंसेप्ट क्वेश्चन पे ही बेस्ड रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल 5x³ - 8x + 3x⁵+4x² - 7x⁴+1। डायरेक्ट डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल पूछ रहा है, एक्स ओनली वन वेरिएबल दिख रहा है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे देखो पावर आपका क्या है, 3 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 0 है। हाईएस्ट पावर कहाँ है, 5 है, मींस इस टर्म का हाईएस्ट पावर है। तो क्या बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या है, तो 5 है, मींस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एंड पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। हम लोग कैसे किसी को बता सकते हैं, किसी एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं कि ये वन वेरिएबल में गिवन है और ये टू वेरिएबल में गिवन है। तो देखो, द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा है, मीन्स इस टर्म के बारे में बोल रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन यानी इक्वालिटी साइन का यूज नहीं है, एल्जेब्रिक क्योंकि प्लस का यूज हो रहा है, ठीक है। देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहे हैं, तो कहीं भी आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हम ये चीज नहीं समझाए आपको, ठीक है। ध्यान से देखना कि क्या बोल रहे हैं। वन वेरिएबल की बात हो रही है, यानी आपका जो एग्जांपल दिया हुआ है x² + 2x + 4 ये वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल का यूज हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग वन वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, आपका एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल गिवन है उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वो आपका डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो आपका पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 है, ठीक है। तो इसका क्या बोल सकते हैं कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो, पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें दो वेरिएबल का यूज होगा, ठीक है। द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल इज द हाईएस्ट सम ऑफ पावर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल इन एनी ऑफ द टर्म इन द एक्सप्रेशन। अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोग समझ जाओगे कि किस तरीके से आप लोग को बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपका टॉपिक है कि पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का बात यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो x और y की बात हो रही है, x और y की बात हो रही है मीन्स इस एक्सप्रेशन में आपका दो टर्म यानी x और y का बात हो रहा है जो कि वेरिएबल है, और दो का यूज हो रहा है मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, टर्म का
पॉलिनोमियल में टर्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मीन्स बोल सकते हैं एक टर्म यहाँ है, दूसरा टर्म यहाँ है, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया, ये पांचवा टर्म होगा और ये छठा टर्म हो गया। ठीक है, अगर दो वेरिएबल गिवन है किसी एक्सप्रेशन में तब हम लोग डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखो जो भी आपका टर्म गिवन है उस टर्म में आप लोग डिग्री काउंट करो। ठीक है, अगर सिर्फ x5 में करते हैं तो यहाँ पे डिग्री आपका 5 है, यहाँ देखो 3x पे पावर 4 और y है, तो इसमें हम लोग डिग्री कैसे काउंट करेंगे, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल इन एनी ऑफ द टर्म। इस टर्म में जो दो वेरिएबल गिवन है तो दोनों के वेरिएबल के पावर को हम लोग ऐड करेंगे, मीन्स x पे पावर 4 है और y है, तो बोल सकते हैं कि वहां पे y पे पावर 1 है, यानी 4 और प्लस 1 यानी 5, तो बोल सकते हैं कि इस टर्म का डिग्री क्या है, तो वो 5 है। 2x y क्यूब है, मीन्स x पे पावर 1 है, y क्यूब यानी 3 एक 4 हो गया पावर, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 है। ठीक है, तो देखो अब अगर यहाँ पे डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो हाईएस्ट पावर क्या गया, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो है वो डिग्री क्या है, तो वो डिग्री 5 है। ठीक है, डिग्री 5 है, ये आपका टू वेरिएबल का था। ठीक है, अगर यहीं पे थ्री वेरिएबल गिवन हो तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया उसी तरीके से आपको वहां भी थ्री वेरिएबल में भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना सारे को ऐड नहीं करना है, हर एक टर्म को, ठीक है, हर एक टर्म को आपको ऐड करना है और जहां पे हाईएस्ट दिखेगा तो वो आपका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक पॉइंट बता रही हूं तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। ए पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई लाइक ए एक्स टू द पावर आर वाई टू द पावर एस, ठीक है, इस टर्म को आप लोग गौर से देखना। ठीक है, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ सेवरल टर्म्स ऑफ द प्रायर मेंशन्ड फॉर्म वेयर आर एंड एस आर पॉसिबल इंटीजर। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन गिवन है या बोल सकते हैं कि कोई टर्म गिवन है ए एक्स टू द पावर आर और वाई टू द पावर एस। ठीक है, ये आपका कोफिशियंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, कोफिशियंट हो गया एक्स और वाई क्या हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, और आर एंड एस क्या हो गया, तो ये आपका पावर हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो पावर हो गया। ठीक है, मीन्स इतना का कोफिशियंट पावर एंड वेरिएबल का कंसेप्ट है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि अगर इस टर्म में आपका कोई टर्म गिवन है, मीन्स किसी एक्सप्रेशन में ये टर्म गिवन है और पूछा जा रहा है कि इसका डिग्री क्या होगा, तो याद रखना जो भी आपका वेरिएबल गिवन है उसका जो भी पावर है मीन्स आर एंड एस, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, मीन्स आर प्लस एस। ठीक है, वो आपका डिग्री होगा। ठीक है, और याद रखना ये जो आप लोग आर एंड एस देख रहे हो ये होल नंबर होना चाहिए, अगर निगेटिव है मीन्स वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका एक आर मींस निगेटिव है और एस पॉजिटिव है, तो हम लोग ने पॉजिटिव को काउंट किया, बिल्कुल गलत, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी अगर पावर आपका निगेटिव दिख रहा है पूरे एक्सप्रेशन में तो वो आपका नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू 7x टू दी पावर 5 प्लस 2x पे पावर माइनस 1 प्लस 1 और बोल रहा है कि डिग्री क्या है। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करेंगे कि काउंट करेंगे कि डिग्री यहाँ पे 5 है, ऑप्शन में आप लोग का 5 भी गिवन रहेगा। ठीक है, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि आप लोग को लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं कि जहां भी अगर पावर निगेटिव आया मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना।
ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग सिर्फ x क्यों किए हैं, क्यों, क्योंकि आपका सारा टर्म जो यहाँ पे गिवेन है वो x के टर्म में है। अगर यहीं पे बाय द वे अगर आपका क्वेश्चन रहा कि 7xy + 2x²y + 3x⁻²-2 और बोला जा रहा है कि बताओ किसका डिग्री क्या है, डायरेक्ट बोलना किसका डिग्री गिवेन नहीं होगा ये, क्योंकि पॉलीनोमियल है ही नहीं। क्यों, ये नहीं कि यहाँ पे पावर वन है यहाँ पे टू एक थ्री तो आप लोग थ्री आंसर कर देना, नहीं ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पावर नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो ये सब बेसिक बात आप लोग याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है। अगर पॉलीनोमियल दो वेरिएबल का आता है तो आप लोग याद रखना, अगर इस फॉर्म में है तो आप लोग हर एक टर्म को काउंट करना, ठीक है। अगर वन वेरिएबल का है तो डायरेक्ट हाईएस्ट पावर, टू वेरिएबल का है तो हर एक टर्म को आप लोग काउंट करना, सारे पावर को ऐड करना और जो मैक्सिमम देगा तो वो आपका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है आप लोग का एएलपी सीबीटी 1 में, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का कि हम लोग कब किसी पॉलीनोमियल को लीनियर बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे और क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, देखो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, बोलते हैं कि ये मोनोमियल है तो बोलते हैं कि नहीं ये तो लीनियर है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। हम लोग नेक्स्ट में इस चीज को डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले देखो कि लीनियर पॉलीनोमियल होता क्या है। तो इफ द पॉलीनोमियल इज ऑफ डिग्री 1 देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलीनोमियल। बोल क्या रहा है कि अगर कोई पॉलीनोमियल गिवन है और उसका डिग्री अगर 1 होता है मींस वो लीनियर पॉलीनोमियल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है कि 4x + 3 और पूछा जा रहा है कि ये लीनियर पॉलीनोमियल है क्या, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये डिग्री 1 की बात हो रही है, मीन्स यहाँ पे डिग्री 1 है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 56y + 3 डिग्री क्या है, 1 है, मीन्स ये लीनियर पॉलीनोमियल होगा। ठीक है, चलो देख दूसरा देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज 2 देन इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बोल सकते हैं कि अगर कोई एग्जांपल है 3x² + 2x तो डिग्री क्या है, डिग्री यहां पे 2 है, बोल सकते हैं 2 का मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं कि 4y² + 4y + 1 डिग्री क्या है, डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है, तो इफ द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज 3 देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। एग्जांपल देख लेते हैं कि 3x³ + 2x पॉलीनोमियल कौन सा होगा, तो क्यूबिक होगा, क्यों, पावर 3 की बात हो रही है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि 4y³ + 4y² + 7y + 4 कौन सा पॉलीनोमियल है, तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री इसका 3 है। ठीक है, तो ये सब में आप लोग कंफ्यूज मत करना, जहां पे लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक की बात हो रही है यानी डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, डिग्री 1 मीन्स लीनियर पॉलीनोमियल, डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो। आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हो, पॉलीनोमियल में हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और कांस्टेंट पॉलीनोमियल की बात की है और साथ ही आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की बात की है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मोनोमियल कब बोलेंगे, लीनियर कब बोलेंगे, बाइनोमियल कब बोलेंगे, क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे, ट्राइनोमियल कब बोलेंगे और क्यूबिक कब बोलेंगे। ठीक है, तो इस दोनों में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, कैसे कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा और आप लोग बताओगे कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि आप लोग को जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस उतने पे फोकस करोगे। ठीक है, मोनोमियल का कंसेप्ट होगा, मीन्स वहां पे टर्म की बात हो रही है। ठीक है, अगर पॉलीनोमियल की बात हो रही है मीन्स मोनोमियल पूछा जा रहा है या बाइनोमियल पूछा जा रहा है, ट्राइनोमियल पूछा जा रहा है, मीन्स हम लोग वहां पे टर्म काउंट करेंगे। ठीक है, अगर एक टर्म होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये मोनोमियल का एग्जांपल है, दो टर्म होगा
तो हम लोग बोलेंगे कि बाइनोमियल है, तीन टर्म होगा ट्राइनोमियल है, ठीक है। और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कब बोलेंगे, अगर डिग्री वन की बात हो रही है तब हम लोग लीनियर, दो की बात हो रही है तब क्वाड्रेटिक, एंड तीन की बात हो रही है तब हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं आप लोग को, अभी जितना भी कुछ अगर डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप लोग को वन वेरिएबल में बता रहे हैं, ठीक है, वन वेरिएबल में सब कुछ बता रहे हैं। अगर मोनोमियल का कंसेप्ट हो, मोनोमियल का कंसेप्ट हो तो मान लेते हैं कि px इक्वल टू 4x, ये मोनोमियल होगा, क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ एक टर्म की बात हो रही है, ओनली वन टर्म की बात हो रही है, ठीक है, मोनोमियल हो। दूसरा है बाइनोमियल, बाइनोमियल मींस बोल सकते हैं कि px इक्वल टू 4x प्लस 2, यहां दो टर्म की बात हो रही है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, मींस दो टर्म की बात हो रही है, ठीक है, यानी बाइनोमियल होगा, ठीक है। तीसरा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बोल सकते हैं कि px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये ट्राइनोमियल होगा, क्यों, क्योंकि यहां तीन टर्म की बात हो रही है, टर्म की बात हो रही है, कितने, तो तीन टर्म की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इन एग्जाम्पल में से कौन सा बाइनोमियल है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा बाइनोमियल है, जो भी आपका ऑप्शन गिवेन होगा, तो जिस एग्जाम, जिस ऑप्शन में दो टर्म गिवेन हो, भले वो स्क्वायर हो, क्यूब हो, लीनियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम्पल में जहां, ऑप्शन में जहां आपको दो टर्म दिख जाए, तो आप लोग बोल सकते हो कि ये बाइनोमियल है, ठीक है। चलो, ये आपका मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल का कंसेप्ट था। चलो इसी तरीके से देखते हैं कि लीनियर का कंसेप्ट क्या है, लीनियर कब बोलेंगे, अगर px इक्वल टू 4x प्लस 2 गिवन है तो इसको लीनियर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, और डिग्री जब 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कब होगा, जब px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये कोई एक्सप्रेशन गिवन है और डिग्री 2 की बात हो रही है, और डिग्री 2 किस में होता है, तो वो क्वाड्रेटिक में होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या होगा कि px इक्वल टू 4y क्यूब प्लस 3y प्लस 1, क्यों क्यूबिक होगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है, ठीक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब भी आपका मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल की बात हो रही है तो हम लोग टर्म काउंट करेंगे, एक टर्म यानी मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म यानी ट्राइनोमियल, पावर कुछ भी हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जब भी अगर कोई वेरिएबल, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन और वहां पे डिग्री की बात हो रही है कि किस डिग्री में है, तो आप लोग वहां पे डिग्री काउंट करोगे, ठीक है। एक डिग्री है यानी लीनियर है, दो डिग्री है क्वाड्रेटिक है, तीन डिग्री है यानी क्यूबिक है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का कंसेप्ट था, तो इस कंसेप्ट को आप लोग माइंड में कवर कर लो, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 में पॉलिनोमियल में ये क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे, लेकिन बहुत को अभी भी डाउट है, ठीक है, कि मैम आपने बाइनोमियल में बताया था कि इसमें दो टर्म का यूज होता है, दो टर्म का यूज होता है, और आपने जो ऑप्शन किया है तो उसमें दो वेरिएबल का यूज है, ठीक है। फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ, बाइनोमियल का मतलब होता है कि जो भी मेरा पॉलिनोमियल गिवन है उसमें दो टर्म होना चाहिए, ठीक है। आपका ऑप्शन है 8 इंटू ए प्लस ए, तो क्या इसको हम लोग 8a प्लस ए मीन्स 9a लिख सकते हैं, 9a मीन्स टर्म एक की बात हो रही है, मीन्स ये टर्म एक की बात हो रही है, मीन्स ये मोनोमियल है, ठीक है। दूसरा है कि 7a स्क्वायर प्लस 8b प्लस 9c,
एक टर्म प्लस दो टर्म प्लस तीन टर्म, यानी ट्राइनोमियल है ये, ठीक है। 3a इंटू 4b इंटू टी सी, तीनों मल्टीप्लाई में, चार तीन 12, दूनी 24, यानी 24 ए बी सी। वेरिएबल तीन है बट यहाँ पे बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल का कंसेप्ट है, जिसमें एक टर्म है और इसको क्या बोलेंगे, तो ये आपका मोनोमियल है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है 11a² + 11b², यहाँ पे दो टर्म की बात हो रही है। क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जा रहा है तो ऑप्शन भी उसी तरीके से आप लोग करो, ठीक है। दो टर्म की बात हो रही है, मीन्स ये क्या हो गया, तो आपका बाइनोमियल हो गया। ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो आप लोग, जितना पढ़ा रही हूँ, जितना बता रही हूँ, उतना ही पे कंसेप्ट आप लोग को क्लियर करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को डाउट हो रहा है, ठीक है, मीन्स आप लोग अच्छे से नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो ये आपका चार ऑप्शन गिवन है, पूछ रहा है कि बाइनोमियल क्या है, तो पहला में मोनोमियल है, एक टर्म यूज हो रहा है, दूसरे ऑप्शन में तीन टर्म यानी ट्राइनोमियल है, सी ऑप्शन में एक टर्म है मोनोमियल है, और डी वाले ऑप्शन में दो टर्म यानी बाइनोमियल। सिंपल सी बात है, फिर भी पता नहीं आप लोगों को क्यों डाउट हो रहा है। देखो फिर से बता दी हूं, अगर कहीं भी फिर से अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज का लेक्चर का एक बार रिव्यू ले लो। सबसे पहली बात कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात की थी, तो लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले एक बार आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख लेना, ठीक है। आज के लेक्चर में था कि डिग्री किस तरीके से, हम लोग डिग्री होता क्या है और किस तरीके से काउंट करते हैं, तो वो था, उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन था। उसके बाद पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में किस तरीके से काउंट करते हैं वो था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी आप लोग देख लेना। उसके बाद कि लीनियर कब बोलेंगे, क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे और क्यूबिक कब बोलेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को, तो वो बताए हैं। थोड़ा डिस्कस ये कर दिया है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल बोलेंगे या लीनियर बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे या क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और ट्राइनोमियल बोलेंगे यानी क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रख लेना, अगर टर्म की बात हो रही है तो यानी मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, और डिग्री की बात हो रही है मींस लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा एंड क्यूबिक होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग का लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया इसलिए लेक्चर नंबर 2 में इस क्वेश्चन को फिर से समझा दी, ठीक है। अगर ये लेक्चर अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।